डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने बनावट क्रिया विधि का सचित्र वर्णन किया था और सेल में होने वाली अभिक्रिया के बारे में भी अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह है कुछ परिभाषा हम लोग को देखनी है, जो गैल्वेनिक सेल के अंतर्गत ही आप लोग को देखने के लिए मिलता है, परंतु वो गैल्वेनिक सेल में नहीं है, कुछ अलग रूप से हम परिभाषा ही देखेंगे। तो आज जो टॉपिक है आप उसको टॉपिक बना सकते हैं निम्नलिखित की परिभाषा दें, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या क्या देखना है आज, तो आज जो हमारा है उसमें इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव, सेल का निरूपण और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो पहला है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या है, तो डिफिनेशन बिल्कुल साफ है, किसी अर्ध सेल में, जो अर्ध सेल हमने पीछे पढ़ा था एनोड या कैथोड वाला, किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्थात जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड को बात करें, किसी अर्ध सेल की बात करें, जैसे पीछे वाले में भी हम लोग अर्ध सेल पढ़े थे, तो एक यहाँ विलयन था, विलयन में एक छड़ को डुबा दिया जाता था, चाहे वो छड़ सीयू का हो सकता है, चाहे वो जेड का हो सकता है। यदि वो छड़ सीयू का होता था तो ये जो घोल लेते थे हम CuSO4 का लेते थे। किसका घोल लेते थे? CuSO4 का। तो ये हमारा हो गया धातु। तो किसी अर्थ सेल में इलेक्ट्रोड, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, और वैद्युत अपघट्य मतलब वैद्युत अपघट्य ये हो गया। इन दोनों के बीच उत्पन्न विभवांतर को, मतलब इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने के कारण इन दोनों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को जो सूचित किया जाता है वो ऐसे सूचित किया जाता है ई, और जो हमारा यहाँ पर वैद्युत अपघट्य होता है उस वैद्युत अपघट्य को लिखा जाता है, जैसे ई बड़ा में लिखे गए ऐसे करके ई, और उसमें शॉर्ट रूप में नीचे CU। ये अपघट्य क्या है? तो अपघट्य CU डबल प्लस आयन है, पढ़ाया गया था पीछे ही, तो CU डबल प्लस अपघट्टा CU सॉलिड, ऐसे इसको लिखा जाता है अपघट्य को। ये विद्युत वाहक बल, विद्युत इलेक्ट्रोड विभव है, किसका ही? कॉपर का और कॉपर के सल्फेट आयन का, ये दोनों का मिश्रित रूप है, ठीक है। तो इसका कितना होता है, तो इसका जब मान प्राप्त किया गया, आगे के वीडियो में आप पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा इसका मान होता है प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे CU का छड़ नहीं रहता, अगर यहाँ पे ZN की छड़ वाला रहता, मतलब क्या रहता कि ZN की छड़ होता और यहाँ पर हमारा ZnSO4 का विलयन होता। किसका विलयन होता? ZnSO4 का विलयन होता। तो जब ZnSO4 का विलयन होता तो इसका क्या हो जाता? EZn डबल प्लस बटा ZN सॉलिड, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का इसका होता है मान 0.76 वोल्ट, जिसको अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको वहां पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस अभी आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, पोटेंशियल क्या है। तो किसी अर्ध सेल में, कोई आधा सेल है अर्ध सेल में, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अभी इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जब आगे पढ़ाया जाएगा तो बस आप डेफिनेशन याद करके थोड़ा सा समझ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है? तो हमने देखा है जब किसी चीज को मापा जाता है, किसी भी चीज को मापना होता है, जैसे हमको लंबाई मापनी है तो हम उसके लिए मीटर, एक मानक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम मीटर से माप लें, मीटर एक मीटर को लेकर के मीटर से माप लें कि यहाँ से वहां तक की लंबाई 1 मीटर है या 5 मीटर है या 10 मीटर है। तो मीटर में माप रहे मतलब कोई एक यहाँ पे हम यूनिट लेते हैं, मतलब एक इकाई लेते हैं। उसी प्रकार से किसी चीज में इलेक्ट्रोड विभव को मापने के लिए, इलेक्ट्रोड विभव मतलब किसी सेल में इलेक्ट्रोड विभव को मापने के लिए एक मानक की जरूरत पड़ती है, एक स्टैंडर्ड इकाई की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब ये कितना होता है, तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। किसी अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीसीज की सांद्रता एक इकाई हो, मतलब कोई भी अर्ध सेल, अभी हमने पढ़ा था अर्ध सेल, उस अर्ध सेल में प्रयुक्त स्पीसीज, जैसे यहाँ CU था और यहाँ पे क्या था? CuSO4 का घोल था, दोनों की सांद्रता
दोनों का क्या सांद्रता कितनी हो, तो दोनों की सांद्रता एक इकाई हो, मतलब सिंगल एक हो, मतलब उसकी सांद्रता कितनी हो एक हो, तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे में कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो कॉपर का कितना होता है, तभी मैंने लिख के बताया था कितना, प्लस का 0.36 वोल्ट। इसी प्रकार से जिंक वाले का मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो जिंक वाले का ही मैंने लिख के बताया था Zn डबल प्लस, Zn का कितना था माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव मतलब किसी अर्थ सेल में इलेक्ट्रोड और वैद्युत अवघटक के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और मानक इलेक्ट्रोड विभव जब उस अर्ध सेल की सांद्रता एक इकाई हो, मतलब सिंगल एक इकाई हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, ये दोनों तो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, सेल विभव। सेल विभव मतलब सेल पोटेंशियल, ये क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है धनोद एक होता है ऋणोद, मतलब कैथोड या एनोड। तो किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को सेल विभव कहते हैं, अर्थात किसी भी सेल में अगर दो विभव हैं कैथोड और एनोड, तो दोनों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। क्लियर है, तब जैसे सेल ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर आपको किसी सेल का अगर ज्ञात करना है विभव, जैसे कि आपको गैल्वेनिक सेल का विभव ज्ञात करना है, अगर आप तो जैसे में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल का विभव, गैल्वेनिक सेल का विभव क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल का विभव। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल का विभव क्या हो जाएगा, तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड का मान, तो ई कैथोड पे क्या था, तो याद कीजिए कल के फिगर में कैथोड क्या था, कॉपर का कैथोड था, तो ई कैथोड का क्या आ जाएगा, सीयू डबल प्लस बटा सीयू, और ये साइड नीचे लिखिएगा, इसके बराबर मत लिख दीजिएगा। ई एनोड का मान क्या था, तो एनोड का मान था जेड एन डबल प्लस और जेड एन, यही था। तो ई कैथोड का मान कितना आया था, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ई कैथोड में यहाँ पर लिखा भी था कि उसका मान कितना होता है, तो 0.0 प्लस का 0.0 कितना आता है 3.6 माइनस ई जिंक वाले का कितना था, तो उसका बताया था मैंने माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 0.36 वोल्ट, माइनस माइनस का जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 6 4 10 के 0, हर से 1, 7 3 10 और 1 11, हर से 1 और 1 इधर आ जाता है 1, मतलब कितना हो गया 1.1 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सेल का विभव हो गया। तो सेल का विभव ज्ञात करना तो बिल्कुल आसान है, आप पहले कैथोड को रख दीजिए, फिर एनोड को रख दीजिए, आप दोनों के मान को रख करके घटा दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, सेल का विभव निकल जाएगा। तो अब इसको आप उदाहरण में लिखना चाहें तो आप इसको उदाहरण में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा सेल का निरूपण। मैंने अभी गैल्वेनिक सेल में आप लोगों को इसका निरूपण करके दिखाया था कि गैल्वेनिक सेल का निरूपण कैसे करते हैं, तो मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, गैल्वेनिक सेल का निरूपण करना हो तो हमने सेल अभिक्रिया पढ़ा था, सेल अभिक्रिया क्या था बताइएगा थोड़ा सा, सेल अभिक्रिया तो था हम लोगों का जेड एन सॉलिड एनोड पर जेड एन सॉलिड क्या बन रहा था, जेड एन डबल प्लस ए क्यू, और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, एक इस पर था एनोड पर था, हाँ। फिर कैथोड पर क्या हो रहा था, तो सीयू डबल प्लस ए क्यू था, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया था, तो क्या हो गया था, दो इलेक्ट्रॉन जुड़ करके वो क्या बन गया, सीयू सॉलिड बन गया था। ये कहाँ पर हो रहा था, कैथोड पर हो रहा था,
तो सेल अभिक्रिया दोनों को जोड़ देंगे तो सेल अभिक्रिया क्या बनी, टोटल सेल अभिक्रिया क्या बनी, तो जेड एन सॉलिड प्लस सी यू डबल प्लस ए क्यू बराबर क्या बना, सी यू सॉलिड प्लस जेड एन डबल प्लस ए क्यू। ये कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा होगा आप लोगों को, ये टोटल सेल अभिक्रिया पढ़ा था। अब इसका सेल निरूपण करना है, तो सेल निरूपण के लिए मैंने आपको बताया था कि सेल निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम एनोड को बाईं तरफ लिखते हैं। तो एनोड क्या है, यहाँ पर एनोड, तो एनोड ये है, तो एनोड को बाईं तरफ लिखेंगे तो क्या मिलेगा एनोड में, जेड एन सॉलिड फिर एक डंडा बताया था, एक डंडा फिर जेड एन डबल प्लस ए क्यू ठीक है, फिर दो डंडा। अब दाईं तरफ किसको लिखेंगे, तो ये वाला लिखेंगे कॉपर डबल प्लस ए क्यू फिर सिंगल डंडा कॉपर सॉलिड। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, सेल का निरूपण हो गया ठीक है। तो हम किसी भी सेल का इसमें निरूपण कर सकते हैं। तो मैं एक आपको होमवर्क भी दे दूंगा जिसमें आपको सेल अभिक्रिया लिख करके उसका निरूपण करना होगा। तो यहाँ पे चार टॉपिक हमारा समाप्त हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेल निरूपण का एक और उदाहरण देखते हैं जिसको हम लोग अपने आप से बना करके देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट उदाहरण है वह एक सेल है जिसकी अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है, उसमें हमारे पास कॉपर सेल जो है सॉलिड के रूप में है और Ag प्लस मतलब जो सिल्वर है वह हमारा विलयन के रूप में है। दोनों अभिक्रिया करके Cu डबल प्लस एंड Ag सॉलिड बनाते हैं, क्लियर है। ये हमारे पास सेल अभिक्रिया है। अब इस सेल अभिक्रिया को हम एनोड और कैथोड में पहले एक्सचेंज करते हैं और तब हम सेल का निरूपण करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एनोड में कौन सी अभिक्रिया हो रही है और कैथोड में, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा दोनों में कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो हमने जाना था एनोड में भी अभिक्रिया होती है जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यहाँ हम देख रहे हैं कॉपर जो है यहाँ पर एक भी आयन नहीं है, परंतु यहाँ पे कॉपर में कितने आयन हो गए, डबल प्लस आयन। अर्थात डबल प्लस आयन का मतलब हुआ कि कॉपर ने अपने दो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जब ये अपने दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है तो कॉपर हमारा क्या हो गया, एनोड हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, कॉपर सॉलिड और क्या बना हमारे पास, कॉपर डबल प्लस ए क्यू एंड प्लस टू इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। कैसे हम लोग को पता चला कि कॉपर वाला जो है वो एनोड पर अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि कॉपर में यहाँ पे सॉलिड था बट यहाँ ए क्यू हो गया, मतलब कि यहाँ विलयन रूप में हो गया, अर्थात कॉपर ने अपने दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर लिया, क्लियर है। तो पहले एनोड पे हमने लिख लिया। अब आते हैं बात कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। कैथोड पे जो अभिक्रिया बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर के पास एक प्लस था मतलब कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कम था, परंतु जब ये इससे अभिक्रिया करके सिल्वर सॉलिड बना दिया मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को ये पूर्ण कर लिया मतलब ग्रहण कर लिया, यहाँ ग्रहण कर रहा है मतलब ये कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया हो जाएगी। Ag सिंगल प्लस है तो Ag सिंगल प्लस और यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकला, पूरा लिख लिया Ag सिंगल प्लस ए क्यू और दो इलेक्ट्रॉन निकला और ये बनाया हमारा क्या, Ag सॉलिड बनाया। अब बात आती है यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक Ag है, कभी ऐसा हो सकता है, तो नहीं तो हमने यहाँ पर संतुलित करने के लिए यहाँ पर दोनों जगह हमने क्या लगा दिया, दो लगा दिया, जिससे दो प्लस भी हो गया और दो माइनस भी हो गया। यहाँ पर ये एनोड और कैथोड की दोनों की अभिक्रिया हो गई। तब हम क्या लिखते हैं, सेल निरूपण कर लेते हैं। तो सेल निरूपण हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, कैसे मैंने बताया है, तो बाएं तरफ एनोड को लिखा जाता है, दाएं तरफ कैथोड को लिखा जाता है। तो एनोड क्या है, Cu और Cu डबल प्लस मतलब Cu सॉलिड एक डंडा Cu डबल प्लस Aq। मैं होमवर्क देने वाला था परंतु मैं सोचा कि समझा देता हूँ कि आपको हमेशा याद रहे। ये हमारा एनोड हो गया, अब बीच में कितना डंडा, दो डंडा जैसे इसमें खींचा हमने, फिर क्या हो जाएगा, Ag प्लस था Aq ठीक है, यहाँ दो से कोई मतलब नहीं है, दो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर एक डंडा Ag सॉलिड।
ये हमारा एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो हमेशा याद रखेंगे बाईं तरफ हमेशा एनोड लिखा जाता है, दाईं तरफ हमेशा कैथोड लिखा जाता है। तो ये हमारा सेल्युलोपन हो गया, जो मैं आपको होमवर्क देने वाला था वो आपका हो गया। देख लीजिए बिल्कुल सेम है कि नहीं, इसमें ZN एनोड था, इसमें CU एनोड है, इसमें CU कैथोड था और यहाँ पर AG कैथोड है। ठीक है, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसीलिए रखा था। अब हम आगे देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो किसी भी अर्ध सेल के मानक इलेक्ट्रोड का अगर मान प्राप्त करना है तो उसके मानक इलेक्ट्रोड का मान प्राप्त करने के लिए एक अन्य सेल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो किसी अन्य सेल की आवश्यकता होती है जिसका इलेक्ट्रोड विभव कितना हो, जीरो हो, जिसका इलेक्ट्रोड विभव कितना हो, शून्य हो। एक ऐसे सेल की आवश्यकता होती है जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, शून्य हो, उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो देख लीजिए डेफिनेशन, किसी अर्ध सेल के मानक हाइड्रोजन विभव का मान ज्ञात करने के लिए एक अन्य अर्ध सेल की आवश्यकता होती है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, शून्य होता है, क्योंकि कभी भी अकेले अर्ध सेल का, किसी अकेले अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसे PdH2H+AQ द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब इस जो अर्ध सेल का जो सूचित करना है, जैसे यहाँ सेल निरूपण किया गया है, उस अर्ध सेल का निरूपण प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस पर H+AQ द्वारा सूचित किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें तीनों चीज होते हैं, Pt भी होता है, हाइड्रोजन गैस भी होता है और H+ आयन भी होता है। देखिए कहाँ है ये, आपके चित्र में देख रहे होंगे, एक यहाँ बड़ा सा बीकर है, इस बीकर में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये कुछ जल टाइप का भरा हुआ है, ये जल जो है वो H+ आयन है। उसकी मोलरता कितनी है, उसकी मोलरता 1 m है, 1 m H+ आयन है, मतलब उसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलरता H+। ठीक है, तो याद रहेगा 1 m H+ यहाँ पे आयन इसमें वो जलीय रूप में है। अब इसमें एक आप देख रहे होंगे यहाँ उल्टा सिलेंडर है, उस सिलेंडर के सबसे नीचे एक पत्थर है, पत्थर मतलब वो पतला टुकड़ा है, यह जो है पत्र वो है प्लेटिनम धातु का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है, प्लेटिनम धातु का बना हुआ है। प्लेटिनम धातु के बिल्कुल सटे हुए, मतलब पत्र के बिल्कुल सटे हुए एक छोटी सी पतली सी नली है। इस नली में क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। इस नली में क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। इस नली के बीचों बीच एक डंडी निकल रही है, ये डंडी बाहर निकल रही है, यह हमारा क्या है, तो तांबे का तार है। ये क्या है, तांबे का तार है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोड को में हम जोड़ेंगे तो किसी तार में ना जोड़ेंगे, तो इसलिए ये तार निकला हुआ है। ठीक है, तो तांबे का तार है और यहाँ पर इस सिलेंडर में यहाँ पर एक तरफ मुंह है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पिस्टन द्वारा, यहाँ पर उच्च दाब पर, उच्च दाब नहीं, ज्यादा उच्च नहीं है, एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस को इसमें क्या किया जा रहा है, प्रवेश कराया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, एक बार हाइड्रोजन दाब पर, एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस को इसमें प्रवेश कराया जा रहा है। जब इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवेश कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ प्लेटिनम धातु के साथ में क्रिया करके, यहाँ से क्रिया करके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देती है, त्याग कर देती है। देखिए जो अभिक्रिया यहाँ होगी वो ये रही, क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से इसमें आती है तो यहाँ पर प्लेटिनम धातु के पास आ करके हाइड्रोजन गैस अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और जो H+ आयन होता है वह इसमें क्या आ करके क्या हो जाता है, घुल जाता है। इस प्रकार से पूरी अर्धसेल अभिक्रिया समाप्त होती है। तो अर्धसेल ये पूरी अभिक्रिया है। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये अर्धसेल जो अभिक्रिया है, इसकी जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, जो इसके लिए E का मान होता है, E इलेक्ट्रोड विभव कैसे लिखते हैं, तो आपको पढ़ाया गया था H+ / H2, ऐसे करके लिखवाया गया था,
तो इसका जो ये मान होता है, इसका मान होता है 0.004, अर्थात इसमें ना ही प्लस में धारा विद्युतांतर होता है ना ही माइनस में होता है, एक्यूरेट कितना होता है 0 होता है। इसलिए इस इलेक्ट्रोड का उपयोग, इस इलेक्ट्रोड का उपयोग हम किसी अन्य इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान प्राप्त करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा गया है। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? तो किसी अर्धशैल इलेक्ट्रोड का, किसी अर्धशैल के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान प्राप्त करने के लिए हमें एक अन्य अर्धशैल की आवश्यकता होती है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना हो, 0 हो, उसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसे PtH2H+ द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसमें जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया होती है 1/2 H2 गैस बन करके H+Aq और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। आप अगर NCERT बुक में देखेंगे तो यही जो अभिक्रिया है वो आपको ऐसे करके दिखाया है। ठीक है, ये अभिक्रिया करके दिखाया है, परंतु आप याद रखिएगा ये अभिक्रिया जो है ये इस सेल का उल्टा है। मतलब इसमें उसमें NCERT में एक बात लिखी गई है, वो कहा गया है कि जो इस सेल का जो, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है, मतलब जो E है, विभव है इस अर्ध सेल का, वह इस अभिक्रिया के बराबर माना गया है। मतलब किस अभिक्रिया के बराबर माना गया है, अर्थात ये अभिक्रिया नहीं हो रही है, इसका उल्टा वाली अभिक्रिया हो रही है। जो इसकी उल्टी अभिक्रिया क्या है, ये है जिसमें H2 गैस को दिया जाता है जब, तो H+ आयन बनता है और क्या बनता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, तो आप ये वाला सेल अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव समाप्त होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समाप्त होता है। इसके बाद हम किसी भी अन्य अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक अर्ध सेल लेंगे और उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको बना लीजिए। आपका जो अभी है जो टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यह भी समाप्त नहीं हुआ है। कल के वीडियो में ये हम लोग पढ़ करके उसको समाप्त करेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आ गया हो तो आप इसे लाइक करेंगे, और अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।